अलवर में स्कूल खोलने को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए शुक्रवार को नंगली सर्किल से कलेक्ट्रेट तक विद्यार्थी अभिभावकों की ओर से हस्ताक्षर युक्त वाहन रैली निकाली गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को वर्ल्ड बैंक अधिकृत मेडिकल संस्थाओं ने खतरा बताया और यहां तक कि कहा कि स्कूल खुलने और बंद होने को लेकर कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। वहीं स्कूल शिक्षा परिवार के जिलाध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण का बहाना बनाकर राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद कर रखा है। जब सब कुछ खुला हुआ है, बाजारों में वही चहल पहल है, परिवहन के साधन संचालित हो रहे हैं, शादी विवाह समारोह में बच्चे आ जा रहे हैं, तो स्कूल क्यों बंद करके रखे हैं? जब आप शिक्षा को यूं ही रोक कर पटक दोगे तो इनके बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? अब खतरा इनका है। इन हालातों में वार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए स्कूल खोल देना चाहिए। इसी क्रम में आज स्कूल संचालक, अभिभावक, शिक्षक और छात्र छात्रा हस्ताक्षर युक्त वाहन रैली निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मोनिका सैनी। तो मोनिका जी, आपके बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं? जी सर। दो साल से बच्चे घर पे हैं, कुछ जो जानते थे वो भी भूल गए। जो सुविधा गवर्नमेंट दे रही है कि फीस माफ करवा देंगे, वो हमारे बच्चों का विकास कहाँ हो रहा है ये बताओ। उससे कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं? अब स्कूल खुल रहा है, सब बाजार खुल रहे हैं, बच्चे हमारे साथ बाजार भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, गार्डन में भी जाते हैं, सब कुछ खुल रहे, तो वहाँ पे कोरोना नहीं है क्या बताओ? स्कूल ही क्यों बंद है? अब क्या मांगे आपकी ये बताओ। अब ये मांगे कि स्कूल खोली जाए और बच्चे स्कूल जाए, बच्चों की पढ़ाई चालू की जाए। हाँ, पढ़ाई चालू की जाए। कोरोना संक्रमण का बहाना लेकर राज्य सरकार ने मन चाहे मनमानी करके जब चाहे जब स्कूलों को बंद कर रखा है। आप सबको पता है, जब चारों ओर बाजार खुले हैं, सब कुछ पूरी तरह से संचालित है, परिवहन के साधनों, शादियों, यानी एक स्कूल को लेकर सारी चीज़ यथावत चल रही हैं। जब शिक्षा को अगर आप ऐसे रोक कर पटक दोगे तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जहां पहले कोरोना संक्रमण के नाम पर ये था कि भाई ये खतरनाक है, बच्चों को खतरा हो सकता है, अब तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ICMR की रिपोर्ट, जितने भी अधिकृत संस्थाएँ हैं, सब ने ये कह दिया कि स्कूल के खुलने से और न खुलने से कोरोना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सरकारें आँख बंद करके क्यों बैठी हैं? बच्चों का क्यों भविष्य खराब कर रही हैं? और ये जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके बच्चे तो ऑनलाइन संसाधन से पढ़ लेंगे। ये जो मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके पास ऑनलाइन के संसाधन हैं, ये कहाँ पढ़ेंगे? यानी बंद करने का कारण क्या है? आप रैलियाँ करो चुनावों में, तब कोरोना नहीं है। सारे बाजार में भीड़ पड़ रही है तो कोरोना नहीं है। शादियाँ हो रही है, मैरिजों में भीड़ लग रही है तो कोरोना नहीं है। बस में, गाड़ियों में, ट्रेनों में बैठने को जगह नहीं है तो कोरोना नहीं है। तो क्या स्कूल में कोरोना छिपा हुआ है? तो हमारी ये मांग है, और मांग क्या हमारा अल्टीमेटम है कि हम 1 फरवरी से स्कूल खोलेंगे। 1 फरवरी से स्कूल खोलेंगे, खोलेंगे। 1 फरवरी से स्कूल खोलेंगे, खोलेंगे। मैं लोकेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा परिवार, जिला अलवर। अभी किसको ज्ञापन देने जा रहे हो? हम मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर साहब ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन ही सूचना देने जा रहे हैं कि हम 1 फरवरी से स्कूल खोलेंगे। अगर कोई तर्कसंगत कारण है तो हमें जवाब दीजिए, वरना हम 1 तारीख से स्कूल खोलेंगे।